जो बॉलीवुड बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि भगवान नहीं है, रामायण के ऊपर सवाल उठाता था कि यार राम जी ने तो माता सीता पर डाउट किया, ये कैसा रिलेशनशिप है, जो बॉलीवुड मर्यादाओं को रिजेक्ट करता था और रिलेशनशिप की जो बड़ी बड़ी बातें करता था, आज उन्हीं के लोग हम देखते हैं कि रिलेशनशिप के मामले में सबसे गिरे हुए लोग हैं। वो चाणक्य का एक कोट है ना, कि वो कहते थे कि चाणक्य की जो आर्टिस्ट होता है ना, इसको देखो पर इसे कर वसूलो ज़्यादा, और इसको हमेशा ट्रैवल कराते रहो, एक जगह ज़्यादा ठहराने की ज़रूरत नहीं है। और इस सोसाइटी के सबसे निचले तबके के लोग हैं, मतलब इनको ज़्यादा सुनना नहीं चाहिए, बिकॉज दे कैन ब्रेन वॉश योर माइंड। सोसाइटी के रोल मॉडल कभी आर्टिस्ट नहीं हो सकते। कई बार ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही बोला गया है, अगर बॉलीवुड से वो आर्टिस्ट आ रहे हैं तो वो रोल मॉडल नहीं हो सकते। मैं बात कर रहा हूँ ये रिसेंटली जो दीपिका पादुकोण और ये रणवीर सिंह का केस हुआ, ये लोग कॉफी विद करण के अब किसी सीजन में गए थे, पता नहीं ये शो क्यों चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कौन देखता है, किस क्लास के लोग देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं, और ये क्या दिखाना चाहता है अपने शो के मामले से, मुझे कभी समझ नहीं आता। ऐसा लगता है कि व्यक्ति एक बूढ़ा आदमी है जो लोगों की सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करने के लिए इंटरव्यूज लेता है और फालतू के सवाल करता रहता है, किसके साथ नॉटी हुए, कैसे हो तुम, डिड यू लास्ट हैव सेक्स, अबॉर्ट अबॉर्ट, कैन आई गेस, रेट योरसेल्फ आउट ऑफ 10 ऑन द फॉलोइंग इन बेड, क्या यही सब है क्या इसके पास करने के लिए। बहुत टाइम पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आमिर खान से पूछता है कि आप दोनों नहाते हैं क्या साथ में, तो आमिर खान बोलता है हाँ हम दोनों सुबह सुबह साथ में नहा रहे हैं। नहीं ठीक है, नहा रहे हो जो भी कर रहे हो, पर ये कौन, मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये सवाल कौन करता है। जिस तरीके से ये कॉफी विद करण में सवाल पूछता है और जिस तरीके से लोग जवाब देते हैं, तो कई बार मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि चाणक्य सही बोलते थे। अब देखो ना, दीपिका पादुकोण से जब पूछा गया सवाल उसके रिलेशनशिप के स्टेटस के ऊपर, तो बोल रही है कि जब मैं रणवीर सिंह के साथ कमिटेड थी तो एट द सेम टाइम मैं कहीं और भी एक्सप्लोर कर रही थी, सेटिस्फेक्शन ढूंढ रही थी, बट मेरे मन में हमेशा रणवीर सिंह था, उसके प्रति लॉयल्टी थी। हाँ मन से लॉयल थी मैं, पर तन से मैं कहीं और भी थी। रिलेशनशिप के एडवाइस देने वाले, मूवी बनाने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले इस तरीके से रिलेशनशिप चला रहे हैं। माई चॉइस टू मैरी और नॉट टू मैरी, टू हैव सेक्स बिफोर मैरिज, टू हैव सेक्स आउटसाइड ऑफ मैरिज, टू नॉट हैव सेक्स, माई चॉइस टू लव टेम्परेरली और टू लस्ट फॉरएवर। और ये लोग मूवीज के थ्रू अपने पर्सनल पब्लिक क्या कहते हैं स्पीच के थ्रू भगवान को लेके, रामायण को लेके डाउट क्रिएट करते हैं। बहुत टाइम पहले मैंने एक डिबेट देखी थी जहाँ पे कुछ बॉलीवुड के छोटे मोटे आर्टिस्ट थे, वो रामदेव बाबा के साथ डिबेट कर रहे हैं और रामायण पे सवाल उठा रहे हैं कि सीता ने भी तो, सीता के साथ भी तो राम जी ने ऐसा किया था, उसके ऊपर क्या कहना है आपका। सीता, सीता माता को भी किसी ने छोड़ा नहीं, सीता माता जी पे भी शक किया गया है, उनके बारे में आप क्या बोलेंगे। और नहीं, लेकिन वो जिस बात की, वो जो जिसका उदाहरण वो दे रही है, वो कह रही है कि सीता पर तो राम ने भी शक किया था और वो मर्द भी थे। तो ये इंडस्ट्री के लोग रामायण के ऊपर खूब उंगली उठाते हैं और खुद किस तरीके का कैरेक्टर रखते हैं, एक्चुअली कोई कैरेक्टर नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि ये सोसाइटी के रोल मॉडल बन गए हैं, और रोल मॉडल का काम होता है लोगों को रिस्पॉन्सिबल दिखाना, उनकी मॉरेलिटी को और इन्हेंस करना, बढ़ाना, और जिस बड़ी बड़ी मॉरेलिटी की ये बात कर रहे हैं उस पर खुद पालन करना। अदरवाइज आपका कोई राइट नहीं है लोगों की ये बोलना है कि प्लीज कम टू वॉच अस, प्लीज फॉलो अस। The fact is that they shouldn't boycott this film because it's such a beautiful film and I want people to see me and Aamir on screen na, after like 3 years we waited so long। आपको देख के लोग आपके प्रोडक्ट तक खरीद लेते हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक, जो प्रोडक्ट या फूड, जंक फूड आप प्रोमोट करते हो ना अपने एड्स के थ्रू, जो कि आप खुद नहीं खाते, लोग आपको देख के खाने लगते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, और आपको पता ही नहीं है कि आपकी कितनी बड़ी पोजीशन है सोसाइटी में, कितना लोग आपको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअली एक्टर्स को गॉड के लेवल पे रख देते हैं और उसके बाद एक्टर्स का खुद का कैरेक्टर इस तरीके का है, मॉरल वैल्यूज ये प्रैक्टिस नहीं करते, इनका कोई हायर कैरेक्टर बिल्ड ये करना नहीं चाहते, सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गंदगी फैला रहे हैं, वल्गैरिटी फैला रहे हैं। फर्स्ट थिंग यू नोटिस अबाउट अ मैन, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी कोई चीज ही नहीं देखने को मिलती। और ऊपर से करण जौहर जैसे लोग, करण जौहर का नाम ना ऐसे होना चाहिए कि बर्बादी का दूसरा नाम करण जौहर। देखो यार मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो लोग ये मीम बना रहे हैं ना कि ये बार बार बोल रहे हैं कि देखो दीपिका पादुकोण ऐसी निकली, औरत ने हमेशा आदमी को धोखा दिया है, उसका प्यार कभी सच्चा नहीं होता, ब्रो पहली बात तो दीपिका पादुकोण कोई
भारत या फिर दुनिया की औरतों की ब्रांड एम्बेसडर नहीं है कि उसके कैरेक्टर के बेसिस पे सभी को जज करोगे। हम इतनी जल्दी किसी को जस्ट किसी के वजह से पूरी कम्युनिटी को जज ना करें, पर यस ये जरूर सोचें कि सोसाइटी में रोल मॉडल बड़े ध्यान से चुनें। इन एक्टर्स को अगर आप अपना रोल मॉडल बनाते हो तो ये एक्चुअली रोल मॉडल बनने लायक नहीं है। रोल मॉडल ऐसा हो जिसका जेन्युइनली कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो बहुत खूबसूरत ना दिखे, हो सकता है बहुत लग्जरी कपड़े कार वार ना चलाता हो सकता है एक्चुअली उसके पास कुछ ना हो सिवाय कुछ अच्छी बातों के, कुछ अच्छी वाणी की, हो सकता है सड़क पे बैठा कोई साधु हो जो राम नाम दे रहा है लोगों को, इतना ही कर रहा है, हो सकता है उसका कंट्रीब्यूशन लाख गुना ज़्यादा हो बजाय इन बड़े बड़े एक्टर्स के जिनको करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं। मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आजकल जो नए एक्टर्स आ रहे हैं ना इनके ऊपर सक्सेस इतनी ज़्यादा चढ़ जाती है कि ये भूल जाते हैं कि हर समय सेटिस्फैक्शन के पीछे नहीं भागना, रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटमेंट के पीछे भी भागना है। इनको इतना ज़्यादा आज़ादी फ्रीडम मिल जाता है, इतना ज़्यादा फैन बेस मिल जाता है, इतना दिखने की शौक होता है कि हर समय कुछ ना कुछ ऊटपटांग चीज़ें करते रहते हैं ये लोग। और मैं ये भी नहीं कहता कि सारे एक्टर ही खराब है, नहीं, अब देखो रजनीकांत को, जितने बड़े वो स्टार हैं, जिस लेवल के वो स्टार हैं, वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझते हैं कि देखो मुझे करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, मेरे एक इशारे पर करोड़ों लोग मूवी देखने चले जाते हैं, पूरा पूरा स्टेट मूवी देखने चला जाता है, एक जगह खड़े हो जाता हूं तो करोड़ों की भीड़ लग जाती है, तो उसी तरीके से मुझे रहना भी चाहिए। तो वो सादगी में रहता है व्यक्ति, वो स्टारडम को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह समझते हैं। और वही हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो एक्टर है, ये करंट जो एक्टर है, खासकर बॉलीवुड वाले हमारे, ये स्टारडम को शराब की तरह समझते हैं, खूब गटको फिर नशा चढ़ जाए तो कुछ भी बक दो, ये इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। और भगवान का दिया हुआ जो इनको स्टारडम मिला हुआ है, इसके अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे ना तो कहीं ना कहीं बर्बादी की ओर बढ़ेंगे, वही हो रहा है। देखो ज़्यादातर एक्टर्स के क्यों रिलेशनशिप ब्रोक कर जाते हैं, खुद के ये अपने सेल्फ को कंट्रोल नहीं करने का प्रैक्टिस करते, लस्ट के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते, कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते जिससे इनका करेक्टर शुद्ध हो, ये जस्ट एक्टिंग अच्छी करने के, एक्सप्रेशन अच्छे करने के, डायलॉग डिलीवर करने के अच्छे प्रैक्टिस करते हैं, उसका करोड़ों रुपये चार्ज भी करते हैं, बस मॉरल प्रैक्टिस नहीं करते। और ऐसे लोग अगर सोसाइटी के रोल मॉडल बनेंगे तो आप समझदार हो कि सोसाइटी किस ओर जा रही है, और सोसाइटी उसी ओर जा रही है। इसलिए रोल मॉडल को बहुत सोच समझ के चुनना। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, और करण जौहर और दीपिका पादुकोण को लेकर आपकी क्या ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना, मैं भी जानना चाहता हूँ, पढ़ूंगा आराम से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। बार बार एक ही चीज कहता हूँ और कहता रहूंगा कि अपने रोल मॉडल बहुत सोच समझ के चुनना। नाम जरूरी नहीं है, काम जरूरी है। आप अपने नाम से नहीं पहचाने जाते, आप अपने कामों से पहचाने जाते हैं।